सामीन नाजरीन, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के लिए, आपकी आपको बीमारियों से बचाने के लिए और सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ मजामीन और मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर आपकी समाअत के लिए पेश करती है, जिससे आप इस्तफादा हासिल करके अपने आप को और बीमारियों से बचा सकते हैं। एक्सरसाइज वर्जिश के बारे में हम आपको कई मजामीन के ज़रिए मालूमात दे चुके हैं। हम मज़ीद मालूमात देना चाहेंगे कि वर्जिश से जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों को रोकने और उनके इलाज में किस तरह मददगार साबित हो सकती है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस्म को मुनासिब सरगर्मियों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आज वर्जिश की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। सवाल यह है कि पहले लोग वर्जिश नहीं करते थे, जिम नहीं जाते थे, मगर फिर भी सेहतमंद थे, ऐसा क्यों था? इसका नहायत आसान जवाब यह है कि पहले ज़िंदगी के अतवार और रहन सहन ऐसा था कि जिस्म के पट्टों हड्डियों की नशोनुमा खुद ही हो जाया करती थी, जब कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में इंसानी मशक्क़त को हद दर्जा कम कर दिया है। इसी तरह का वाक़ा यह है कि हमारे एक ग्रैंडफादर थे, उनसे जब हमने सेहत के बारे में और उन मसाइल के बारे में बात की तो उन्होंने फौरन ये कहा कि हमारे ज़माने में तो ये मसाइल नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते थे, तो उन्होंने बताया कि वो वैक्सीनेशन लगाया करते थे, गांव-गांव जाके वैक्सीनेशन लगाया करते थे। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आपको रोज़ाना कितना चलना पड़ता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो रोज़ाना तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र पैदल किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि रोज़ाना अगर कोई 20 से 25 किलोमीटर का अगर पैदल सफ़र करे तो उसकी सेहत जो है ना वैसे ही बेहतर हो जाएगी, जो कुछ भी खाएगा वो सब चीज़ें उसके लिए सेहतमंद अंदाज में उसके जिस्म में शामिल हो जाएंगी। जैसा कि आजकल की ज़िंदगी है कि बिल्कुल तनासानी की ज़िंदगी हो गई है, कि हम लोग जो ना चल फिरना बिल्कुल ही कम कर दिया गया है, तो ये मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। गलत तर्ज ज़िंदगी की वजह से इंसान ने बीमारियों को खुद ही अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 74% मर्द, 68% खवातीन का एक्टिविटी लेवल सेहतमंद जिस्म के बिल्कुल नाकाफी है, जबकि वर्जिश का मतलब यह है कि वो जिस्मानी मशक्क़त जो जिस्म की सेहत और फिज़िकल फिटनेस को ज़्यादा बेहतर करे और बरकरार रखे। चुनाचे वर्जिश हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्जिश के जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों को रोकने और इसके इलाज में किस तरह मददगार साबित होती है। हम इसके एक एक मुख्तलिफ जो निज़ाम है उस पर वर्जिश के असरात के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हम अलग अलग करके आपको मुख्तलिफ मजामीन में ये मालूमत देना चाहेंगे।